हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो अपने रहने वाली है द जीप कंपास। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। एक्स शोरूम 17.99 लाख से शुरू होती थी पहले जीप की कंपास। बेस मॉडल अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स मॉडल 2.0 डीजल की बात करें अपन, 23,15,000 से है जो इसकी एक्स ऑन रोड प्राइस है जयपुर में 23,15। और टॉप मॉडल है इसका जो एस ऑप्शनल डीजल 4x4 ऑटोमेटिक, वो है 38,83,000 का। वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर हम बात करें इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स के, तो कौन से वैल्यू फॉर मनी है, क्या है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, या जीप कंपास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किन ऑडियंस को ये जीप कंपास लेनी चाहिए, तो आज की वीडियो में अपन डिटेल में इसी बारे में बात करने वाला है, इस कार के बारे में किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार के एक्सटीरियर लुक की। लुक के मामले में आपको अच्छी खासी मिलने वाली है। जिनकी मेरिडियन है उसका भी इस टाइप से इंस्पायर साइड लुक है, बस थोड़ी सी लंबी टाइप की, थोड़ी अलग है, लेकिन जीप का लुक ऐसा ही है इस कार का। आपको अच्छा खासा जो है कॉर्निंग वगैरह में, हाईवे स्पीड में, एक ओवरऑल आपको अच्छा खासा मतलब आपको मिलने वाला ही पैकेज। अगर हम बात करें इस कार के फ्रंट लुक की, फ्रंट में इसके अंदर ऐसा अपन को है लैम्प सेटअप मिल रखा है नॉर्मल टाइप का, 7 स्लॉट जीप की ग्रिल है इसके अंदर कार के अंदर। फ्रंट में सेंसर भी वगैरह भी आते हैं इसके अंदर, 360 डिग्री व्यू कैमरा ही मिलता है इस कार के अंदर फ्रंट के अंदर। अगर हम बात करें साइड से, तो साइड के अंदर अपन को मिलता है 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और हील डिसेंट कंट्रोल वगैरह, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके कई मॉडल आते हैं जो ऑल टाइम 4x4 भी रहते हैं, तो उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है इसके, जैसे 4x4 वेरियंट्स है जो अभी आज की डेट में। इसके अगर बेस मॉडल से ही बात करें, तो आपको बेसिक सारे फीचर्स मिल जाएंगे इस कार के अंदर। बेस मॉडल के अंदर ही आपको अलॉय व्हील भी मिल जाएंगे, अंदर के जो सारे फीचर्स है इसके बेस मॉडल में आते हैं। 2 एयरबैग आते हैं और टॉप मॉडल उसके अंदर आते हैं 6 एयरबैग्स आते हैं। सेफ्टी की अगर हम बात करें इस कार की, तो आपको 5-स्टार रेटेड है जो इसकी सेफ्टी मिलने वाली। अलॉय व्हील के अलग अलग मॉडलों में कई सारे इसके अंदर है, जो अलॉय व्हील के भी डिज़ाइन भी खूब सारे मिल जाएंगे आपको। 5 नट के हैं इसके अंदर जीप के अलॉय व्हील। अलॉय व्हील का कईयों को मिलेगा आपको 17 इंच के हैं जो इसके अंदर अलॉय व्हील रहने वाला है। डिज़ाइन आपको अलग अलग मिलने वाला है सारे बेस मॉडल से, लेकिन आपको अलॉय व्हील प्रोवाइड हो जाएगा व्हील कवर वाला, इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है इस कार के अंदर। और हम बात करें बिल्ड एंड जो इसका जो मटेरियल क्वालिटी है, वो भी आपको अच्छी खासी रहने वाली है इस कार के अंदर। और माइलेज की अगर हम बात करें, तो इस गाड़ी का जो डीजल इंजन है 11 से लेकर 14 का है जो आपको माइलेज मिलेगा इस कार के अंदर। ज़्यादा माइलेज इससे आप एक्सपेक्ट भी ना करें तो सही है। ये इसका रियर की जो लाइट है ना, वो अच्छी लगती है बिल्कुल दिखने में। बिल्कुल जो इसका ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन है नीचे से, जो ये LED सेटअप है बहुत अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन में। अगर बात करें तो जीप का लोगो पीछे वाइपर वगैरह, इसका डिज़ाइन अभी मतलब बिल्कुल ऐसा ओल्ड टाइप का नहीं लगता। आगे थोड़े बहुत इसकी ग्रिल वगैरह आ रहे हैं और लाइट वगैरह थोड़ी बहुत कर दी है इसका, मतलब थोड़ा बहुत आउटडेटेड इसकी जो है लुक लगती नहीं है। लाइट भी देख सकते बिल्कुल प्रीमियम लाइट है। गाड़ी अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो आपको अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है। अभी आपको जैसे 2-3 लाख रुपए महंगी लग रही हो, लेकिन इसकी जो बिल्ड है ना, वो आप इसके अंदर बैठोगे तो इससे पता चलेगा। तो सबसे बात करते हैं इसके, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटीरियर की। डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं बिल्कुल प्रीमियम मिलने वाला है इस कार के अंदर। अच्छी खासी डिस्प्ले दे रखी है जीप का, मतलब स्टेयरिंग व्हील पर जीप का लोगो है और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ऑटोमेटिक ORVM भी मिलेगा आपको कार के अंदर। 6 और 9 स्पीड गेयर बॉक्स मिलेगा। 9 स्पीड बुक की खूब अच्छा खासा रेस्पॉन्स है जो आपको देने वाला है हाईवे के ऊपर। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील का फील भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। फीडबैक, स्टेयरिंग फीडबैक की अगर बात करें, और फुल्ली डिजिटल अपन को जो है इसका मिलने वाला है। और बेस मॉडल वगैरह में आपका इसका एनालॉग का आएगा, इस पर सारी चीज़ें बताता है। ऑटोमेटिक मतलब इसके अंदर जैसे सारे मतलब मोड्स वगैरह चेंज करते हैं, वो भी अपन को बताता है। तो मॉडल में आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिलेगा इस कार के अंदर, विथ सेंसर्स एंड गाइडलाइंस मिलेगी आपको इस कार के अंदर। और बात करें इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों सपोर्ट करते हैं कार के अंदर। डिस्प्ले भी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है इसके अंदर आपको। और नीचे की बात करें, आपको इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी इसके, कंट्रोल ऑटोमेटिक AC कंट्रोल, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल, ये सारे आपको हैं जो कंट्रोल मिलने वाले हैं। गेयर नॉब की अगर बात करें, तो प्रीमियम आपको अच्छी खासी लगने वाली है जगह, मतलब इस कंसोल
आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा यहाँ पे कंसोल वगैरह के अंदर आपको, मतलब गेयर बॉक्स भी तो इसके अंदर खैर कर ही रखी है। पेट्रोल में आपको 6 स्पीड मिलता है और डीजल में भी आपको 6 स्पीड और 9 स्पीड का ऑप्शन मिलता है, उसके अलग अलग ट्रांसमिशन के हिसाब से। सनरूफ की अगर बात करें तो इसका यही सेगमेंट की पहले गाड़ी है आज की, अगर 2-3 साल पहले जो शुरू से देखता रहा है इस कार से ही शुरुआत था। सबसे पहले ये पैनारोमिक सनरूफ इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे पहले जीप कंपस में आई थी, अब तो खैर सारी गाड़ियों में आ रही है, तो उसी चक्कर से हाइप में आई थी। उस टाइम इसकी सेल्स भी अच्छी हुई थी, आज की डेट में इतनी अच्छी नहीं हो रही सेल्स बेसिक फीचर्स से, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स के कमी है। इस कार के अंदर वायरलेस चार्जिंग वगैरह मिल रही है आपको, लेकिन बेसिक फीचर्स आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेसिक फीचर्स नहीं मिल रहे। ऑटोमेटिक एसी और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन आपको मिल जाएगा, सीट्स है वो वेंटिलेटेड मिल जाएगी। बस थोड़ा प्राइस पॉइंट है जो ये हाइयर साइड इस कार का, वही है बस फीचर थोड़े लगेगा, लेकिन प्राइस पॉइंट अगर आप गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको जो इसकी सीटों की जो क्वालिटी है कुछ नहीं का। अगर आप रियर सीट्स पे बैठोगे 3 जने बैठ जाते हैं आराम से, बिल्कुल सोफ़ा टाइप की अच्छी खासी कंफर्टेबल सीट्स है। 3 हेड रेस्ट नहीं मिलेंगे इसके अंदर, 2 ही मिलेंगे। आर्म रेस्ट मिलेगा अच्छा खासा अपन को, जो है इसका लेग स्पेस मिलेगा, थाई सपोर्ट वगैरह थोड़ा ठीक ठाक सही है। मतलब ये अपन का इसका ओवरऑल डैशबोर्ड का जो है व्यू रहने वाला है। एनालॉग स्पीडोमीटर भी आता है इस कार के अंदर, एनालॉग वैसे अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एनालॉग भी अच्छा लगता है, लेकिन सबकी जो है जो अपनी अलग अलग प्रेफरेंस रहती है कार के अंदर, किसी को एनालॉग सही लगता है किसी को वो सही लगता है। कूल ग्लव बॉक्स मिलेगा अपन कार के अंदर, यहाँ पे अपन को लाइट मिल जाती है रीडिंग लाइट्स, और ये सीट्स की क्वालिटी देख सकते हैं आप अच्छी खासी क्वालिटी है वहाँ पे। इसके विंडोज़ के कंट्रोल दे रखे हैं कार के अंदर। पीछे की अगर बात करें तो आर्म रेस्ट में बढ़िया कप होल्डर दे रखे हैं, मतलब आपको देखो इस प्राइस में आप इतने दे रहे हो तो आपको अच्छा खासा इंटीरियर वगैरह हर चीज़ मिलने वाली है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी एज़ कम्पेयर विथ किया महिंद्रा। इन गाड़ियों से आप एक बार साइड में चल के एक प्रीमियम जगह जब आप देखना चाहते हो तो आपको, और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है ये कार। इससे आप निराश नहीं होगे, एक बार तो पैसे दे दोगे लेकिन निराश नहीं होगे आप इस कार से। बूट स्पेस की अगर बात करें 438 लीटर का अपन को इस कार के अंदर बूट स्पेस मिलने वाला है। इंजन स्पेक्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर 1956 cc का डीजल इंजन मिलता है, पावर देता है 168 bhp की, और टॉर्क मिलता है अपन को 350 Nm का, और जो पेट्रोल का इंजन है 1.4 लीटर इंजन 160 bhp 250 Nm का है जो अपन को टॉर्क मिलने वाला था, माइलेज 11। तो अब बात करते हैं आपको ये कार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो इसके अंदर बेसिक फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे, अगर आप मिड वेरियंट बेस मेडल लोगे ना तो आपको फीचर्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको इसके अंदर राइड क्वालिटी मिलने वाली है अनबीटेबल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म में जो आपको जो वैल्यू देगी। अगर आपको ऐसे गाड़ियाँ खरीदनी है बेचनी है जो महिंद्रा की आ रही है नई आ रही है, फिर अपन ले रहे हैं XUV ले रहे हैं, फिर एन ले रहे हैं, फिर वो ले रहे हैं, तो इस लायक नहीं है। आपको एक बार लेके आपको रखनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपके लिए बहुत अच्छी। इसमें ऐसे भी नहीं कोई जो चीप फीचर्स दे रखे हैं जो ख़राब हो जाएंगे जल्दी, मतलब आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी मिलने वाली है कार। एक बार आपको जाके मस्ट विजिट करनी चाहिए जीप का शोरूम, आपको कोई अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगी। यही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।